नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में नगर में जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा। आज दातागंज में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के नेतृत्व में आज सैकड़ों किसानों ने नगर में खाद की किल्लत व कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जुलूस निकालकर तहसील परिसर में पहुंचे और वहां एक सभा कर प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने उपस्थित सैकड़ों किसानों को संबोधित कर मौजूदा सरकार पर सवाल लगाते हुए चेतावनी दी कि देश व प्रदेश की सरकार किसानों से वोट से बनी है और देश व प्रदेश की सरकार किसानों की समस्याएं दूर नहीं कर पाने से किसान परेशान है। सरकार के नुमाइंदे जनता खासकर किसानों के काम करने के असक्षम है। तहसील में किसानों के कामों को लटकाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव, जिनकी गिनती प्रदेश के तेजतर्रार ईमानदार नेताओं में आती है, उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देकर कहा कि जनता व किसानों को काम तत्काल करें और खाद की कालाबाजारी रुक पाई जाए। किसानों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तदुपरांत उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के मौजूद न होने के कारण किसानों की समस्या को लेकर क्षेत्र अधिकारी दातागंज सत्येंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और निस्तारण न होने पर आंदोलन की धमकी दी। उक्त सभा में कल्लूराम, सत्यशेखर, होरीलाल, छोटेलाल, राम बाबू, दावेदार सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। जो जमीनी विवाद समझ रहे हैं, इसका अभियान 5 दिन का चल रहा है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, लड़िया को सीधे थाने पहुंची। 5 दिन लगातार चलेगा। हाँ, हर थाने में समाधान दिवस, उसमें समस्या निस्तारण कराइए जी। आज आपका धरना कितने बजे से शुरू है? ये 11 बजे से स्टार्ट हुआ है, ब्लॉक के माध्यम से थाने पर रुका हुआ, बैंक पर रुका हुआ और यहाँ SDM साहब को ज्ञापन देना था। वो चूंकि मीटिंग में गए हुए हैं तो उनके वजह से क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया गया जी। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मांगे इस समय आप देखेंगे कि पूरे विशेषकर दातागंज तहसील और बदायूं जनपद में जो कि ये 100% कृषि बाहुल्य जनपद है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ी सिटी नहीं है। यहाँ की पूरी जनसंख्या खेती पर निर्भर है और खेती पर होने की वजह से यहाँ बहुत मूलभूत आवश्यकता इस समय खेत में यूरिया की है। यूरिया पूरे ज़िले के अंदर नहीं मिल रही है। हर जगह किसान 3-3, 4-4 दिन लाइन में रहता है, ब्लैकिंग हो रही है। जबकि जिलाधिकारी ने ये कहा था कि अब दातागंज में खाद की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ना उसावा में खाद है, ना समरेर ब्लॉक में खाद है, ना म्याऊ में खाद है। तो पूरे तहसील का आदमी या दातागंज पैसा खर्च करके आता है, अपना समय बर्बाद करता है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति चल रही है, ये कैसा योगी राज है? मुझे तो लग रहा है कि किसानों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है। बिजली जो इससे पहले ट्यूबवेल को 18 घंटे मिलती थी, आज वो 8 घंटे मिलती है, वो भी ट्रिपिंग में। लेकिन आप ठीक 2-3 साल पीछे जाइए, जो 750 रुपये हम बिल का देते थे उसका तो हो गया 3,000 और बिजली के घंटे हमको कम हो गए। मतलब एक तरह से ये लगता है कि ये पूरे देश के अंदर ये परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं कि किसान बिल्कुल रहे नहीं, वो जमीन सब कारपोरेट को दे दे या जमीन बेच दे और उसके बाद वो भूखा मरने की स्थिति में आ जाए। तो इसलिए हर जगह किसान संगठन, हमारा संगठन कल अलवर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कई चैनलों ने उसको दिखाया और इन्हीं सब मुद्दों को लेके कल 28 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है इस खाद के मुद्दे को लेके। और अगली 11 तारीख को, जो आने वाली 11 को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होगा। हम लोग और उत्तर प्रदेश का, चाहे वो बुंदेलखंड का किसान हो, चाहे पूर्वांचल का किसान हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो, वो पूरी तरह से अब सरकार के और योगी और मोदी से लड़ने के मूड में है। क्योंकि इन्होंने जो झूठ बोला, इतना झूठ बोला, सब जवाब दिखाया। और सरकारी आंकड़े हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 14 में 3.5% थी, आज वो घटके 0.33% पे आ गई। जो 3.5% एग्रीकल्चर की ग्रोथ, कृषि की ग्रोथ रेट थी, वो 70% 0.70% पे आ गई। पूरे देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, पूरे देश में किसानों के कर्जों की बड़ी उनपे वजन हो गया। ना तो इन्होंने कर्जा माफ किया, ना इन्होंने जो किसानों को कहा कि हम 4,000 देंगे और 6,000 डालेंगे,
10% आदमी का अभी भी उत्तर प्रदेश में 4000 और 6000 की भी मदद नहीं मिली। ऊपर से डीएपी ब्लैक, यूरिया की ब्लैक, इससे भी ज्यादा और जाओ डीजल पे पैसे बढ़ा दिए चुनाव के बाद तुरंत। अब किसान ना तो उसको बिजली मिल रही है, ना वो डीजल खरीद सकता है और ना वो यूरिया उसको मिल पाएगी, तो आगे क्या होगा ये पूरा। और इन सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे ये बीजेपी की सरकार बनी, योगी की गाय, दातागंज की गौशाला बंद पड़ी है, सारी गायें छोड़ दी, जो हर गांव में जो गौशाला बनाने का कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया जी। क्या आपको लगता है कि दातागंज में कहीं ब्लैक में यूरिया बेची जा रही है? दातागंज में ब्लैक में यूरिया बहुत समरेर और टायरपुर में लोग बता रहे हैं इन्होंने खरीदी होगी, मैंने तो नहीं ली है। 380 रुपए कट्टा तो ब्लैक में यूरिया इसलिए बिक रही है कि यूरिया का शॉर्टेज है, लोगों ने चुपचाप स्टॉक कर लिया है। किसान को जरूरत है, वो मजबूरी में जिस रेट में मिले वो खरीदता है। यूरिया कम से कम 4 जगह उपलब्ध कराई जाए हर ब्लॉक पे इसी तरह से।